let's continue our practice set 3.2 second example. So student, this example is activity based. Means here some information and some boxes are given and you have to fill that boxes. तो यहाँ पे ये activity based example भी हमें exam में 10th में भी 9th में भी होते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी information दी होती है और उस इंफॉर्मेशन से कुछ बॉक्सेस, जैसे अभी यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल कितने बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस दिए, तो ये एग्जांपल हमें 2 मार्क्स के लिए, मींस एक बॉक्स को हाफ मार्क। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 2 3 4 मींस 4 बॉक्स दिए, तो एक एक बॉक्स हाफ हाफ मार्क, मींस 2 मार्क के लिए एग्जाम्पल हो सकता है। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो पिछला हमने एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व किए उसमें हमने डायग्राम देखे, डायग्राम देने के बाद हमने सिर्फ टेस्ट का नाम लिखा था, बट हियर सी सम इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड अबाउट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन सम बॉक्सेस आर गिवन। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है, जैसे आपको कॉन्ग्रेट के लिए आपको बता दूं कि हमें टोटल 6 जो पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, 6 पार्ट्स दिखाने होते हैं, तो उसमें से कुछ डायग्राम में पहले से दिखाए होंगे और जो नहीं दिखाए वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे, वो रिमेनिंग पार्ट्स में आते हैं। तो यहाँ पे इतने पार्ट्स में मैंने डायग्राम से लिख दिया है। अब किसी भी ट्रायंगल के अगर मान लीजिए इतने पार्ट्स पहले से दिखाए, तो रिमेनिंग पार्ट्स क्या होंगे, रिमेनिंग जो साइड्स होंगे या एंगल्स होंगे वो कौन से होंगे, वो आपको पहचानना है। अभी ये तो एक्टिविटी बेस्ड हो गया, इससे आगे का जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें सिर्फ डायग्राम और कुछ इंफॉर्मेशन दी है उस डायग्राम में, और आपको पूरा ये यहाँ से ही पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी होगी खुद से। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन हमने दे ही नहीं है, हम लोग सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं और डायग्राम से हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा और फिर रिमेनिंग पार्ट्स कौन से होंगे वो सभी हम इस एग्जाम्पल में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। सो सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सम इंफॉर्मेशन मीन्स हियर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, then this included side means BC congruent to QR, ये एक side दोनों angle के बीच में है, then angle C congruent to angle R, means यहाँ पे जो हम पिछले example में diagram देख रहे थे उसे आपको test का नाम समझ गया होगा कि triangle ABC congruent to triangle PQR by which test, तो test आपको समझ गया होगा कि दो angle यहाँ पे क्या है, दो angle और बीच में क्या है side है, means यहाँ पे टेस्ट आ जाती है एंगल साइड एंगल टेस्ट। ये एक बॉक्स कंप्लीट हो गया सिर्फ डायग्राम को देखकर। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले दो ट्रायंगल मान लेना है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। सो दिस एंगल बी, अब ये बी जो है 3 लेटर में लिखते समय मिडल में आएगा, सो एंगल एबीसी, एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू PQR, ये एंगल है, हो गया एक एंगल हो गया, फिर बीच में साइड है तो साइड दिखाना जरूरी है, तो सेगमेंट BC congruent to सेगमेंट QR एंड देन दिस एंगल C इन 3 लेटर मींस एंगल ACB, एंगल ACB congruent to एंगल PRQ। अब ये डायग्राम में ये इंफॉर्मेशन दी है, लिखा भी है, सिर्फ टेस्ट का नाम लिख दिए। अब आपको क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट्स ढूंढने, जो कि मेन काम है। अगर इस एग्जांपल में आपका क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम लोग डायग्राम देख के लिखेंगे, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स। अब रिमेनिंग पार्ट्स में आपको समझना है कि 3 साइड और 3 एंगल्स, तो यहाँ पे 3 साइड में से एक साइड क्या है उन्होंने बता दी है, मतलब हमें और 2 साइड को कॉन्ग्रुएंट दिखाना बाकी है। यहाँ पे देखिए 2 साइड दिए हुए और 2 एंगल यहाँ पे हो चुके, क्योंकि 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए उसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स में से जो हमने टेस्ट लिखे थे वो टेस्ट लगती है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 2 एंगल कंप्लीट हो चुके, तो एक ही एंगल बच जाता है ए और उसको पी, तो वही यहाँ पे लिखना है बी ए सी, बी ए सी। अब ए यहाँ पर है तो यहाँ पे क्यू पी आर, तो एंगल लिख लेंगे हम लोग क्यू पी आर, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पे
एक ही एंगल है तो सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसी को हम लोग लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मींस सी ए सी टी इन शॉर्टकट, या फिर आप याद कर लीजिए क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे ट्रायंगल्स ठीक है, लेकिन जब हम दो एंगल्स लिखेंगे तो यहाँ पे एंगल्स लिख लेंगे और इसको रीड करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब तीन एंगल हो चुके, दो ऊपर और एक यहाँ पे रिमेनिंग में हमने दिखा दिया। अब आगे साइड पे, अब साइड में वहां पे सिर्फ एक ही साइड बताइए बी सी और क्यू आर, तो थ्री साइड में से अगर एक साइड बताइए तो दो साइड हमें इंडिकेट करना है, तो उसमें ए बी को कौन कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ए बी को होगा सेगमेंट पी क्यू, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सेगमेंट पी क्यू, ये भी पी क्यू ही क्यू होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने का कि ये फर्स्ट टू लेटर में है ए बी, तो यहाँ पे फर्स्ट टू लेटर जो होगा पी क्यू, इसलिए ए बी को पी क्यू दिखाना है, पी आर को नहीं। देन एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू, सी कॉन्ग्रुएंट टू आर, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, ये तो दिए हुए। अब इस ट्रायंगल का बचा साइड ए सी, जो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा पी आर को, तो यहाँ पे पी आर दिया है, मीन्स फर्स्ट और लास्ट यूज किया है पी आर, तो यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट लिखेंगे तो इधर क्या आएगा सेगमेंट पी ए एंड सी, तो सेगमेंट ए सी, दिस सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहाँ पे साइड है तो यहाँ पे साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसी को शॉर्टकट में सी यस सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये रीजन आपको याद रखना होगा कि हम लोग अगर रिमेनिंग पार्ट्स में लिखते हैं तो उसको रीजन क्या लिखना, तो ये एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली सी दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन सी डायग्राम एंड सम इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू फिल इन बॉक्सेस, सो सी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन फिगर इन ट्रायंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू ये ट्रायंगल इधर हो गया इस तरफ एंड ट्रायंगल यस पी आर इन दिस सेगमेंट PT congruent to, दिख रहा है यहाँ पे डबल एरो आपको, तो सेगमेंट PT congruent to सेगमेंट ST, then this angle both are vertically opposite, अब यहाँ पे same wall नहीं रहे, फिर भी हमें vertically opposite का पता है कि when two line intersect each other then vertically opposite angles are congruent, तो यहाँ पे बीच में है इसलिए इसका नाम लिया है PTQ and STR region vertically opposite angles. Then this triangle, अब यहाँ पे एक segment रह गई, कौन सी segment? So segment QT, segment QT congruent to segment, अब यहाँ पे QT, पहले यहाँ पे PT को double arrow था ST, तो यहाँ पे QT को हम लोग क्या लिख लेंगे RT, तो ये information सब क्या किया उन्होंने पहले से दिए हुए। अब आपको सिर्फ ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बट बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से, तो आप देख सकते हैं दो साइड है और बीच में एक एंगल है, तो रीजन क्या आ जाएगा साइड एंगल साइड टेस्ट। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पे दो साइड यूज हो चुकी है, मींस रिमेनिंग पार्ट्स में हमें एक साइड दिखाना है और एक ही एंगल यूज हुआ है साइड एंगल साइड मींस टू साइड एंड वन एंगल, तो बचा क्या सिक्स पार्ट्स में से, तो हमें बचा एक साइड क्योंकि दो साइड यहाँ पे यूज हो गई, तो ये और ये साइड बची है जो हमें रिमेनिंग पार्ट्स में दिखाना है बताना है और एक ही एंगल यूज हुआ है ये, तो यहाँ पे हमें दो एंगल क्या करना है बताना है। तो यहाँ पे वही पार्ट से देखे कि ट्रायंगल पी टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस टी आर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, देन एंगल टी पी क्यू टी पी क्यू, अब यहां से ऐसे गया है तो हम लोग टी एस क्यू, तो यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे टी एस आर टी पी क्यू, देखिए ऑर्डर टी पी क्यू सो टी एस आर, देन टी आर एस टी R, yes. तो यहाँ पे क्या है T Q P,
तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल टी क्यू पी एंड साइड, एक ही साइड बची है, सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस आर, क्या लिखेंगे हम लोग, एस आर रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और यहाँ पे आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे सिंगल साइड है तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, जब दो साइड होता है तो हम उसे साइड्स कर देते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट में रीजन क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये शॉर्टकट में हम रीजन दे सकते हैं, अगर आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से सी ए सी टी सी एस सी टी रीजन के तौर पर दे सकते हैं। तो आसान सा उदाहरण था, एग्जाम्पल था, जो आपको एक्टिविटी बेस्ड में इसे प्रैक्टिस करना है।